तो सोच रहे हैं कि वोट ही नहीं देंगे क्योंकि हम जैसे गरीब इंसान तो मर ही रहे हैं। वोट हमसे लेते हैं उस टाइम तो हाथ जोड़ते हैं, आके हमारे पैर पकड़ने को भी तैयार है, हमें माँ बहन बनाने को तैयार है, उसके बाद सिकल दिखाते नहीं हमें कोई भी आके। जब कभी हम उनके पास मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और जीतने के बाद फिर वो हमको भी भूल जाते हैं और अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। और हमें सबसे बड़ा सोच ये है, काउंसलर कुछ नहीं बताता, एमएलए कुछ नहीं बताता, एमपी कुछ नहीं बताता, गवर्नमेंट कुछ नहीं बताना चाहती। जब पार्लियामेंट में बैठे हैं, असेंबली में बैठे हैं, उन्होंने आज तक क्या किया? जब से देश आज़ाद हुआ तब से जितनी बार इलेक्शन होता है उतनी बार भी हम लोग बराबर वोट देते चले आए हैं। जो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं केवल सिर्फ वोट मांगने के लिए ही हमारे पास आते हैं, और जीतने के बाद क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं ना कभी हमें बताते हैं, ना कभी हमें पता लगता है, और ना ही ऐसी कोई हमें जानकारी मिलता है। कोई भी पार्टी का देख लीजिए, अगर आके किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप कहें कि साहब आज हम आपके पास आए हैं, एक घंटे में आपके पास बैठा हूँ, जो आपकी समस्याएं हैं मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, या आपकी प्रॉब्लम्स है मेरे बैठा है, बताइए मुझे प्रॉब्लम्स क्या है आके, और मैं आपकी जो जो प्रॉब्लम मेरे से हो सकेगी मैं सॉल्व करूँगा। ऐसी इंटरेक्शन हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की मैंने नहीं देखी है। मैं 30 साल से वोट दे रही हूँ, अभी तक क्या करें। हमारे एमएलए हैं चिराग दिल्ली बैठते हैं, 5 साल हो गए उनको चुने हुए को, आज तक शिकल दिखाने नहीं आए इधर। हमने बायकाटा चिट्ठी लिख के भी उनको बुलाया गया तब भी नहीं गया, कहते हम फोन भी किया तब भी कहते मेरे घर में शादी है मैं अभी जा नहीं सकता हूँ। क्या 1 साल 2 महीना से शादी हो रहा? जनता से आके पूछे तो सही कि आपने बुलाया था, क्यों बुलाया, किसने बुलाया? 5.5 साल के लिए हमारी वोट बहुत कीमती है। कंडीशन ऑफ द रोड्स देखें, उठा के जगह जगह रोड्स टूटी पड़ी हैं। करा के अगर आप काउंसलर को जाएंगे वो आपको एमएलए के पास भेजेगा, अगर एमएलए के पास जाएंगे वो आपको एमसीडी यानी कि काउंसलर के पास भेजेगा। 10 बजे हमारी शौचालय बंद हो जाती है, एक शौचालय के लिए उसको दवा भर दिया जाती है, शौचालय 24 घंटा खुला रहना चाहिए। क्यों, कहाँ जाएगी जी बेटी बहू, कहाँ जाएगी, जंगलों में जाएगी कि सड़क में जाके बैठेगी? अच्छा भैया, वोट कौन कौन डालता है एक बार हाथ खड़ा कर दी जोर से, ठीक है? और वोट अगर हम लोग डालते तो सरकार कौन बना रहे? हम ही बना रहे हैं सरकार। टैक्स कौन कौन देता है? हम ही दे रहे हैं। ऐसा यहाँ कोई है जो टैक्स नहीं देता? हाथ ऊपर कर ले, नहीं देते तो कभी आपने कुछ कोई चीज खरीदी नहीं है? हर चीज पे लेके जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो सरकार को कुछ टैक्स देते हैं। साबुन खरीदने के लिए जाते हैं, दवाई खरीदने के लिए जाते हैं, सरकार का पैसा किसका पैसा है? सरकार हमारे आपकी, नहीं किसी के बाकी। सरकार हमारे आपकी, नहीं किसी के बाकी। तो हम लोगों को तो समझ भी नहीं आता था, वोट तो सब करते हैं लेकिन ये करते क्या है हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ, जिसके तहत लोग सरकारी कामकाज के बारे में सारी सूचना ले सकते हैं। वह यह जानकारी भी मांग सकते हैं कि उनके एमएलए, एमपी, काउंसलर की क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया। आइए,
आपकी बस्ती में एक मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हम लोग घर घर जाकर के एक जानकारी दे रहे हैं कि जो आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो काउंसलर हो चाहे एमएलए हो, उनको क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सदन में जाकर सवाल उठाएं, कानून बनाएं, जो जो उनको पैसा मिलता है विकास के लिए वो हमसे पूछकर हमारी ज़रूरतों पे खर्च करें और सरकार के सारे काम पर निगरानी रखें, जिसके लिए वो कई निगरानी समितियों के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। तो वोट देने के बाद हमको इनको भूलना नहीं चाहिए, इनकी पूरी जिम्मेदारी समझ के हमें इनसे सवाल जवाब करते रहना चाहिए। 4 करोड़ आपको रुपए मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो आप किस पे खर्च करोगे, करोगे नहीं करोगे? तो मैंने लिखा है कि क्षेत्र 43 में विधायक फंड किन किन कामों पर खर्च हुआ है, हर एक काम की सूची दे, सूची दे। सतर्क नागरिक संगठन ने सूचना के अधिकार कानून के इस्तेमाल से यह जानकारी निकाली कि दिल्ली के सभी 70 MLA ने क्या क्या काम किया और अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाई। तो हम ये जानकारी जब लोगों तक पहुंचाने लगे तो फिर हमारी एक बस्ती की मीटिंग में ही एक महिला ने बोला कि क्यों ना हम ये जानकारी का इस्तेमाल करके रिपोर्ट कार्ड बना दें। अब सब बच्चों को अगर रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने जीतने के बाद क्या क्या काम किया है, कैसा प्रदर्शन रहा है, क्या लोगों के विकास के मुद्दों के ऊपर उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है या फिर क्या लोगों के विकास की बातें नहीं उठी हैं और कुछ और बातें उठी हैं। रिपोर्ट कार्ड में तीनों जो इनके पहलू होते हैं जिम्मेदारियों के, उन तीनों के ऊपर फोकस आता है कि इनका प्रदर्शन कैसा रहा, जैसे कि सदन में वो लोग कितनी बार गए, कितनी बैठकों में गए, क्या क्या सवाल उठाए, किन किन विकास के मुद्दों के ऊपर उन्होंने बातचीत करी। जब हमने रिपोर्ट कार्ड देखी तो पता चला कि पिछले साल दिल्ली की विधानसभा केवल 18 बैठक हुई जिसमें हमारे MLA ने एक भी सवाल नहीं पूछा, और उसमें हमारी तो बहुत सी समस्या होती जैसे पेंशन, राशन, शौचालय, महिलाओं के ऊपर सुरक्षा, शिक्षा, तो इतनी सारी समस्याएं हैं, तो एक भी मुद्दे पर उन्होंने सवाल विधानसभा में नहीं उठाया। फिर जो इनको फंड मिलता है तो ये फंड उन्होंने कितना खर्च किया, क्या पूरा फंड खर्च किया, और अगर खर्च किया तो किन किन चीज़ों पर खर्च किया, पानी पे कितना खर्च किया, सड़क पे कितना खर्च किया, शिक्षा पे कितना खर्च किया। हमारा MP है, उनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल के, MLA को 4 करोड़ मिलते हैं एक साल के, हमारे निगम पार्षद को 1 करोड़ मिलते हैं, सालाना 10 करोड़ हो गए, है ना। ये इनका खर्चों का ब्यौरा है, ये जो हरा हरा ये पूरा है, इन्होंने किस पे खर्च किया, 72% इन्होंने खर्चा जो किया है सड़कों और गलियों के निर्माण एवं मरम्मत में किया है ना। इसी तरीके से ये जो पीला देख रहे हैं उसके बाद इससे कम पैसा इस पे खर्च किया MCD स्कूलों में सुधार के लिए, फिर उससे कम ये जो नीला वाला है नालियों एवं शौचालय की व्यवस्था के लिए, अब इसी तरीके से सबसे कम स्ट्रीट लाइट पे है ना, जैसे कि सब लोग मीटिंग में बोल भी रहते हैं कि भाई लाइटें नहीं है, लाइट नहीं है ना, रात को दिक्कतें हो जाती है, उस पर सबसे कम पैसा इन्होंने खर्च किया हुआ है। हम टैक्स देते हैं, वो हमारा पैसा उनको मिलता है, MLA को, निगम पार्षद को, और उनको पैसा मिल रहा है, हमें जानकारी भी नहीं है, अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, पार्क में फुहारे लगा रहे हैं, अपने बिल्डिंग बना रहे हैं। और रिपोर्ट कार्ड में ये भी जानकारी होती है कि जो ये समितियाँ होती हैं जिसके ये सदस्य होते हैं, उन समितियों पे इनका कैसा प्रदर्शन रहा, क्या वो बैठक में गए समितियों की, क्या उन्होंने वहाँ पे मुद्दे उठाए लोगों के। मैं अपने आप को काफ़ी जागरूक नागरिक मानता हूँ, काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ सेंट्रल अफेयर्स में, लेकिन मुझे 2 महीने पहले ही पता चला कि कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी भी होती है या डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी भी होती है या कोई विजिलेंस कमेटी भी होती है जिसका अध्यक्ष या पार्टिसिपेंट हमारा MLA होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन गैप काफ़ी एजुकेटेड होने और अवेयर होने के बाद भी हमें इतना नहीं मालूम था। ऐसा है जी, पहले इनके पास जब भी हम जाते थे जीतने के बाद में कि भाई हमको राशन नहीं मिलता है या हमारे पास में हमें पुलिस तंग करती है, जब भी इनके पास जाते थे तो ये मुझे मना कर देते कि हम कोई पुलिस वाले थोड़े हैं या कोई राशन ऑफिस थोड़े हैं, यहाँ पर हम तो एक ही मिले। लोगों को अपने जन प्रतिनिधियों के प्रदर्शन के बारे में जो जानकारी मिली वह उन्हें बेहद ज़रूरी लगी। तब लोगों से मांग उठी कि यह सूचना तो सरकार को खुद ब खुद लोगों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे वह अपने MLA, MP और काउंसलर से जवाबदेही मांग सके। सूचना का अधिकार धारा 4 के तहत वचन दिया था पार्लियामेंट ने और सरकार ने लोगों को कि हम सो मोटो खुद ब खुद हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देंगे, वो बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है। हम लोगों को यह कहना है कि जनता का कानून बनता हो तो जनता तक पहुंचाया जाए, अखबारों में फर्स्ट पेज में दिया जाए, TV चैनल पर दिया जाए, जो हम लोगों के बिना मांगे सूचना मिले, हम लोगों की जानकारियां मिले।
हम लोगों ने जब सूचना आयोग में शिकायतें डाली तो सीआईसी ने एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए और विधानसभा की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट वेबसाइट पर हो। साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं ये चाहता हूं जो भी हमारे एमएलए निगम पार्षद वगैरह हैं उन सबसे एक ही निवेदन है कि वह जो बोर्ड लगाते हैं ईद मुबारक धन्यवाद दीपावली का होली का इस तरीके से ना लगा करके बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े बोर्ड में सूचना का अधिकार प्रदान करके आप लोग भी यही मांग करें। सबसे पहले हम लोगों ने 2008 में जनसुनवाई की थी जिसमें हमने यही मुद्दा उठाया था कि जो हमारे निगम पार्षद हैं और एमएलए हैं उनके खर्चों का ब्यौरा जो बोर्ड पर लगना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश पास किया फरवरी 2010 में कि भाई ये बोर्ड लगने चाहिए 15 मार्च 2011 तक। कई क्षेत्रों में बोर्ड लग गए हैं और अच्छे बोर्ड लगे हैं जो कि हिंदी में हैं और जितने भी उसमें कार्य होने चाहिए जैसे कितनी राशि खर्च हुई कब काम शुरू होना था कब ख़त्म होना था वो सारा ब्यौरा उसमें बहुत अच्छे से दिया गया। इससे हमें बहुत मदद मिली, इससे हम जाके वो काम चेक कर पाए कि एक्चुअली में वो काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। 23-24 MIG फ्लैट शेख सराय फेज 1 फ्लैट्स में जो है लेन में पूरी टाइल्स लगनी है बट इधर लगी हुई है इधर भी पूरा लगा हुआ है लेकिन अंदर नहीं लगा हुआ अंदर कहीं नहीं लगा। आपको पता है ये काम कब हुआ था कुछ याद ये पिछली सर्दी में मतलब अभी जो सर्दी निकली है बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ उसमें पाई। इन्होंने कादीपुर में डी ब्लॉक तक दिखाए थे जिसमें ABCD भी शामिल था और मैंने हकीकत में देखा कादीपुर मात्र 50 घरों का गांव है मतलब 42 लाख का मिसयूज किया है। अगर इसी तरह ये कई जगह ब्लॉक दिखाते रहे तो पता नहीं कितनी राशि का जो दुरुपयोग किया होगा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ियाँ हैं। फिर मैं लास्ट में जो है सारी फाइल को तैयार करके जो जो गड़बड़ियाँ मुझे दिखाई दी उसका एक मैंने केस बनाया और लोकायुक्त कार्यालय में मैंने जमा कर दिया वो। और इस RTI को देखते हुए मुझे ये भी लगा कि इसमें काउंसलर ने जो है अपनी पावर्स का जो है मिसयूज किया है किसी जगह के पैसे को कहीं और लगाया है। जो हमने ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई है कि MLA की जिम्मेदारी क्या होती है निगम पार्षद की जिम्मेदारी क्या होती है इसका बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों में। तो लोग बाग जा करके सवाल कर रहे हैं उन लोगों से कि भाई हमें हमारी जो ज़रूरतें हैं उन पर हमारा पैसा खर्चा किया जाए ना आप अपने मन से कैसे खर्चा कर रहे हैं। तो लोग जा करके उनको पकड़ रहे हैं कि आपके पास इतना फ़ंड बचा हुआ है इतना था आपने हमने मना कैसे कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। फुहारा लगाता पार्क में कुछ में खर्चे कर देता कुछ अपना जेब भर लेता कभी रिश्तेदार को देता हम सबको क्या देता उसने जीतता तो हमारे यहाँ से हम सबको यहाँ पे देखता हूँ झुग झुपड़ी में रहता हूँ तुम जीत करके बैठ जाती हो मुझे जो आपकी बार नहीं तो पानी मिलेगा ना तो तुमको जूते का हार पहनाऊंगा। फिर कहें जबकि जैसे कि आपको पार्कों में फुहारे लगाने के लिए पानी होते हैं हमारे झुग्गियों में कॉलोनियों में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है फुहारे पार्कों में लगा रहे हैं लेकिन हम सबको तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है घर में आप फुहारों में पानी फुहारे करते हो आप लोग। तो हम दोबारा फिर गए फिर उन्होंने बोला कि जब मेरे को मिलेगा जब हम करेंगे नहीं 4 करोड़ मिलता है तो उसमें 1 करोड़ रुपये आपको पानी के उसके लिए मिलता है। तो हमने फिर जाके उन्होंने बोला ठीक है हम लगाएंगे। फिर उसके बाद में पाइपलाइन बिछी उसके वो होने के बाद में फिर घर घर टोंटी मतलब लग गया तो पानी की अब कोई समस्या नहीं है इतनी ज़्यादा। जब सूचना के अधिकार से ये निकला कि जानकारी में कि ये भाई थाना समिति के अध्यक्ष हैं राशन निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं तब से इन पर हमारा दबाव बना और हम इनको जबरन कहना पड़ा दबाव बना करके कि भाई RTI सूचना में तो ये आया हुआ है और आप कैसे नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे। हमारे शौचालय में एक ये समस्या थी कि दरवाजे टूटे हुए थे सीटें टूटी हुई थी पानी नहीं आता था क्योंकि पानी 7 साल पहले मोटर हमारी जली हुई थी वो ठीक नहीं हुआ था उसके कारण बहुत गंदगी फैली हुई थी और कीड़े रेंगते थे और हम अपने काउंसलर के पास जाते थे शिकायत लेकर और उनसे क्या मिलता था जवाब हम कोई सफाई कर्मचारी थोड़ी ना है। तो उनकी एक रिपोर्ट में निकल के आया कि वो शिकायत समिति में भी हैं और हमारे जो निगरानी समिति में भी हैं तो ये काम तो उनका है जो निगरानी रख सके वो निगरानी रखते नहीं है काम होता नहीं है। तो हमने उन पर दबाव डाला तब जाके उन्होंने पुताई भी कराई सीटें भी ठीक कराई दरवाजे भी ठीक कराए अब तो पानी भी आने लगा है। यहाँ पर नेता लोग जो झुग्गी झोंपड़ियों में अक्सर पैसा बांट देते हैं शराब बांट देते हैं हम लोग उनको दिखाना चाहते हैं कि हमें हमारी सुविधाएं चाहिए हमें हमारा हक चाहिए हमें ना शराब चाहिए ना पैसा चाहिए
हमारी समस्याएं हैं, ज्यों का त्यों बनी हुई हैं। हम जो ये बैनर के जरिए से नेताओं की आंखें खोलना चाहते हैं कि अब जनता को विकास चाहिए, ना कि कुछ और चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी केवल 5 साल में एक बार वोट डालने तक सीमित नहीं हो सकती। सूचना के अधिकार के इस्तेमाल से अब लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाबदेही मांग रहे हैं कि भाई आरटीआई सूचना में तो ये आया हुआ है और आप कैसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनके साथ इन्फॉर्म्ड तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जो भी उम्मीदवार आता है हम लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं। समस्या हल कर पाएंगे तब तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मुझे जो आपकी बार नहीं पानी मिलेगा ना तो तुमको जूते का हार पहनाऊंगा। और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि और उनकी सरकार उनके लिए सही से काम करे, जो एक लोकतंत्र का असली मकसद है। हमारे वोट दिया।